वाइफ हैं, इन्होंने चैन पुलिंग की थी। आप देख रहे हैं द इंडियन रेल गुरु। दोस्तों आप सबका स्वागत है एक और नई जर्नी में। दोस्तों मैं फिलहाल हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल पे और आज हम ट्रैवल कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से हावड़ा कोलकाता तक। और आज हमारी ट्रेन है वो है 12895 गीतांजलि एक्सप्रेस। तो हमारी ट्रेन खुलती 18 नंबर प्लेटफॉर्म पे। तो हम स्टेशन के अंदर आ चुके हैं तो चलते हैं अभी प्लेटफॉर्म पे। तक लगाई नहीं गई है, ट्रेन की टाइमिंग है यहाँ से खुलने की सुबह मॉर्निंग में 6 बज के स्टे में पहुँचाती है हावड़ा रेलवे स्टेशन दोपहर में 12:30 पे। फाइनली 5:34 पे हमारी ट्रेन प्लेटफॉर्म पे लगाई जा रही है। थर्टी हो गया है, ट्रेन हावड़ा से ही डिले आई थी और अब तक पता नहीं कितने बजे डिले होगी क्योंकि 5:30 के बाद ट्रेन यहाँ पे अराइवल हुई है। उसके बाद क्लीनिंग वगैरह होने के बाद अब जाके हमने बोर्ड किया ट्रेन में, सामान वामान रख दिया है, लेकिन पता नहीं अब तक कब तक यहाँ से ट्रेन डिपार्ट होगी। 39 हो गए हैं अभी तक ट्रेन डिपार्ट नहीं हुई है। दोस्तों देखते हैं अभी कितनी देर में डिपार्ट होगी यहाँ से। और जो 18 नंबर प्लेटफॉर्म है उसके साथ में इतने अच्छी गार्डनिंग की गई, देख सकते हैं मेरे बैक साइड में कितना ब्यूटीफुल बनाया है। और ट्रेन की ये हालत है कि ट्रेन कल रात को 9 बजे आनी थी 9:20 पे यहाँ पे, और ट्रेन अराइवल हुई है यहाँ पे मॉर्निंग में 5:35 पे। अब ट्रेन आने के बाद इसकी साफ़ सफाई हुई है, उसके बाद हम बोर्ड किए हैं अभी, तो अभी ट्रेन 7 बज चुके हैं और अब तक ट्रेन खुली नहीं है। देखते हैं अपने डेस्टिनेशन पर कितनी लेट होती है ट्रेन, क्योंकि जो ट्रेन कल नाइट में आनी थी वो सुबह मॉर्निंग में आ रही है, तो लगा सकते हो आप कितनी डिले चलती है ट्रेन। तो आज इसके इसी 3 टायर में ट्रैवल कर रहे हैं हम। सीट है हमारी 31 और हम इसके RAC में आज ट्रैवल करेंगे, देखते हैं कंफर्म होती है या नहीं होती। निकल चुके हैं हम छत्रपति शिवाजी महाराज से टर्मिनल से, हमारी ट्रेन अपने टाइम से पूरे 1 घंटा 8 मिनट की देरी से डिपार्ट हो रही है। ये बुरा हाल है इस गाड़ी का, अभी देखते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे कितना डिले हो पहुँचती है ये।
साफ सफाई की बात करें तो बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। वॉशरूम और दिखा देते हैं आपको, वॉशरूम क्या था इसका, वॉशरूम की कंडीशन बेकार है बिल्कुल। पहले ओल्ड दादर रेलवे स्टेशन, दादर रेलवे स्टेशन इससे वेस्ट को जोड़ता है और यहाँ पर ट्रेन का मात्र 2 मिनट का स्टॉपेज है और जो ट्रेन है हमारी वो यहाँ पे पहुँचने का ट्रेन का अराइवल टाइम था 6:12 पे और ट्रेन अराइवल हुई है स्टेशन पे 7:26। तो देख सकते हो कितनी डिले चल रही है हमारी ट्रेन। प्लेटफॉर्म क्रमांक 5 सिग्नल हो गया, चलते हैं ट्रेन के अंदर। मुंबई लोकल करके अब आ गए कल्याण जंक्शन। यहाँ पर ट्रेन का अराइवल टाइम था 6:52, ट्रेन अराइवल हुई है 8:09। देख सकते हो कितना डिले चल रही है हमारी ट्रेन और ये स्टेशन भी मुंबई में ही आता है और 51 किलोमीटर की दूरी हमने ट्रेन से तक तय की है और 2 मिनट का यहाँ पे होल्ट है हमारी ट्रेन का। निकल चुके हैं कल्याण जंक्शन से भी और यहाँ पर पूरे 10 मिनट गढ़ से उपमा ऑर्डर किया था वो आ चुका है, पैंट्री का बना हुआ बिल्कुल गर्म है और इसका टेस्ट करता हूँ फिर मैं आपको दिखाता हूँ कैसा टेस्ट है। काफ़ी अच्छा टेस्ट है, बिल्कुल गर्म है, पैंट्री से अभी अभी बन के आया, मैं इसको फिनिश करता हूँ। टेक्निकल होल्ट है इगतपुरी, यहाँ पे जो हमारी ट्रेन के साथ बैंकर लोकोमोटिव लगाए थे वो हटा दिए जाएंगे
क्योंकि अभी बिल्कुल लेवल में हमारा ट्रैक, उसके पहले हमारा ट्रैक बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट था, इसी वजह से लोग बैंकरों को मीटिंग लगा जाते हैं। हमारी की तेंदुली एक्सप्रेस के 24 होल्ट है, 2 टेक्निकल होल्ट है। इगतपुरी से समोसे लिए थे, काफ़ी अच्छा टेस्ट है। अगर आपकी ट्रेन यहाँ पर रुक के तो आप बिल्कुल रिकमेंड कर सकते हो। 25 रुपीज़ के 2 पीस दिए हैं। दोस्तों इगतपुरी से कॉफ़ी ली थी, काफ़ी अच्छे टेस्ट है और हमारी ट्रेन डिपार्ट भी हो चुकी है। ट्रेन का थर्ड होल्ट नासिक रोड। नासिक रोड स्टेशन का नाम इसलिए है क्योंकि जो नासिक है वो सिटी से बाहर है ये स्टेशन, इसलिए इस स्टेशन का नाम है नासिक रोड। और यहाँ पे ट्रेन पूरे 1 घंटा 40 मिनट की देरी से पहुँची है और 5 मिनट का स्टॉपेज है। और नासिक फेमस है यहाँ के अंगूर की खेती के लिए। ट्रेन का 5 मिनट का होल्ट है। एक कोच लगा है B2, उसका आप कलर देखोगे हमारे बाकी LHB कोच से अलग है, बिल्कुल बिल्कुल अलग कलर है। निकल चुके हैं नासिक रोड से 5 मिनट के होल्ड के बाद। सोलह किलोमीटर की दूरी तय करके हम आ गए जलगांव। यहाँ पे ट्रेन का अराइवल टाइम था 11:58 और ट्रेन अराइवल हुई है दोस्तों 1:47 में। अप्रोक्सीमेट 1 घंटा 47 मिनट हमारी ट्रेन दिल्ली चल रही है। अब 2 मिनट का हमारी ट्रेन का स्टॉपेज है, वो स्नैक्स वगैरह केला वगैरह स्टेशन पे अवेलेबल है, आप बिल्कुल रिकमेंड कर सकते हो।
फोर्थ होल्ट भुसावल, यहाँ पे ट्रेन का अराइवल टाइम था 12:40 पे, ट्रेन अराइवल हुई है 2:14 पे, तो काफ़ी डिले चल रही है हमारी ट्रेन अभी, ये कवर नहीं कर पाई है। और हम बढ़ेंगे हावड़ा नागपुर मुंबई मेल लाइन की तरफ, और यहाँ पे हमारी ट्रेन का मात्र 5 का स्टॉपेज है। और स्टेशन पे आपको खाने पीने के लिए फ्रूट्स वगैरह, स्नैक्स वगैरह, आ चुके 490 किलोमीटर की दूरी करके मलकापुर, यहाँ पे ट्रेन का अराइवल टाइम था 1:29, ट्रेन अराइवल हुई है 3:09 पे। अभी ट्रेन काफ़ी डिले चल रही है हमारी, और यहाँ पे 1 का स्टॉपेज है मात्र हमारी ट्रेन का। निकल चुके हैं मलकापुर से भी, छोटा सा स्टेशन है, ज़्यादा बड़ा स्टेशन नहीं है। इस गांव यहाँ पे 1 का स्टॉपेज है, ये फेमस है अपनी कचौरी के लिए। और यहाँ पे एक जगन्नाथ मंदिर है, यहाँ पे एक जगन्नाथ का मंदिर है जो फेमस है, उस फेमस इतनी साफ़ सफाई है वहाँ, कूड़ा कटकट फूल तक के भी आपको इतनी नीट एंड क्लीन मिलेंगे, काफ़ी नीट एंड क्लीन मंदिर बताए थे। फिर साथ कोई पैसेंजर ट्रेवल कर रहा था, उन्होंने मुझे बताया। और यहाँ की कचौरी बहुत फेमस है, यहाँ आसपास है नहीं तो मैं आपको लेके ट्राई करके बताता उसका टेस्ट कैसा है। चोरी लिए हम टेस्ट करते हैं, फिर बताते हैं आपको।
निकल चुका है सेज गांव से भी। यहाँ पर ट्रेन का एक मिनट का ही स्टॉपेज था, ट्रेन डिपार्ट भी हो चुकी है मिनट के स्टॉपेज के बाद। ट्रेन डिपार्ट होने से जैसे ही इस गांव से डिपार्ट हुआ उसके तुरंत ही चेन पुल हो चुकी है। चेन खींच देते हैं ना गाड़ी चलती में, वो बंदा है वो पकड़ लिया आरपीएफ ने और उसको अभी आरपीएफ ने पकड़ लिया, चेन पुलिंग करी थी जिसने, ये बंदा है वो। इसकी वाइफ है, इन्होंने चैन पुलिंग की थी। फाइनली चैन पुलिंग के बाद गाड़ी निकल रही है। मैं टेस्ट की बात करूँ तो काफी अच्छा टेस्ट है, आप भी कभी आओ तो बिल्कुल रिकमेंड कर सकते हो। कुरकुरा पन्ने इसमें फिलिंग की गई है अंदर, आप कभी भी इस गाँव रेलवे स्टेशन पे आओ तो बिल्कुल रिकमेंड करना। 10 रुपीज़ का एक पीस देते हैं, मैंने एक पीस ली गई हूँ। चांदली एक्सप्रेस के 8th होल्ट अकोला जंक्शन, अकोला जाना जाता है दोस्तों अपने कॉटन अप के लिए और दाल बड़े के लिए, और यहाँ की दाल मिल वगैरह काफ़ी फेमस है। और यहाँ पर हमारी ट्रेन का 5 मिनट का होल्ट था, उससे पहले ट्रेन डिपार्ट हो चुकी है। चार लाइन निकलती, एक जाती है यहाँ से हावड़ा मुंबई नागपुर लाइन, और एक जाती यहाँ से भुसावल अकोला लाइन, एक जाती यहाँ से अकोला रतलाम लाइन, एक जाती है अकोला सिकंदराबाद लाइन। अब आगे हम गीतांजलि एक्सप्रेस के 9th होल्ट बिंडेरा, यहाँ पे ट्रेन का अराइवल टाइम था 4:12, और ट्रेन अराइवल हुई है दोस्तों 5:52। कितना डिले चल रही है हमारी ट्रेन, और यहाँ पर 3 मिनट का स्टॉपेज है, इसको जंक्शन इसलिए कहते हैं, यहाँ से अमरावती नरखेड़ा होती है एक लाइन जाती है इसलिए इसको जंक्शन कहते हैं। और काफ़ी क्राउड है स्टेशन पर, खाने पीने की आपको स्नैक्स आइटम वगैरह मिल जाएंगे। पूरे 35 मिनट की देरी से हम डिपार्ट हो रहे हैं। कहाँ से गाड़ी चला सकते हैं।
पे ट्रेन का अराइवल टाइम था 5:18 और ट्रेन अराइवल हुई है 7:55। 2 घंटा 37 मिनट डिले चल रही है हमारी ट्रेन, और यहाँ पे 2 मिनट का हमारी ट्रेन का स्टॉपेज है। 2 मिनट के स्टॉपेज के बाद निकल चुके हैं वर्धा से। अब आ गए ऑरेंज सिटी नागपुर। अराइवल टाइम था यहाँ पर 6:55 और ट्रेन अराइवल हुई है 9:02 पे। तो देख सकते हैं हमारी ट्रेन कितने डिले चल रही है, तकरीबन 2 घंटे 38 मिनट डिले चल रही है हमारी ट्रेन। और नागपुर फेमस है अपने ऑरेंज के लिए, ऑरेंज की ज़्यादा खेती वगैरह होती है। चल रहा है स्टेशन पे गैस थाली वगैरह 70 की दे रहे हैं। ऑरेंज ऑफ स्वीट्स फेमस है कि, तो देखते हैं मिलती है तो बिल्कुल लेंगे। और स्टेशन पे फ्रूट वगैरह भी मिल रहे हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हो। निकल चुके हैं नागपुर से भी। ये अपनी डायमंड क्रॉसिंग, दोस्तों पेंट्री का बना हुआ फ्रेश खाना आ गया है बिल्कुल। जो स्टैंडर्ड थाली होती है वेज थाली वो बनाई है, तो टेस्ट करते हैं फिर आपको टेस्ट बताते हैं और क्या क्या मिला आपको मैं दिखा देता हूँ। आलू चने की सब्जी है, दाल है, राइस है, 2 पराठे हैं और ये पिकल दिए। खाने की बात करो तो काफी फ्रेश है खाना, गर्म है बिल्कुल, पैंट्री से भी तुरंत बन के आया है, तो मैं इसको फिनिश कर दूँ। अब आगे गोंडिया, यहाँ पे ट्रेन का अराइवल टाइम था 8:49 और ट्रेन अराइवल हुई है 11:50 पे। 2 घंटे 55 मिनट डिले हो रही है। और ये महाराष्ट्र का हमारी गाड़ी का लास्ट स्टॉपेज है, इसके बाद जो भी गाड़ी हमारी छत्तीसगढ़ में एंट्री कर जाएगी।
काफ़ी लंबी हो चुकी है। फिलहाल के लिए गुड नाइट दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में जो कि स्टार्ट करेंगे बिलासपुर जंक्शन से।